हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक रिक्वेस्ट हमारे चैनल पे आई हुई है कि परचेज वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं टैली erp-9 में, तो उसे बताइए। और शुरू से वो वीडियो डालने की रिक्वेस्ट करी गई है कि कैसे हम शुरुआत से एकदम मैं इसको बना देखेंगे कि कैसे जीएसटी इनेबल करेंगे, सारी चीजें उस कंपनी में हम देखेंगे, कैसे गोडाउन बनाएंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए क्या करना होगा, अल्ट के साथ कीबोर्ड से F3 दबाइएगा, फंक्शन बटन जैसे दबाइएगा यहां पर आ जाएंगे आप कंपनी इन्फो के विंडो पे। और यहां से आप क्रिएट के लिए देखिए सी रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है, आप सी दबाइएगा। जैसे ही सी दबाएंगे यहां पर आ जाएंगे आप फॉर्म पर, कंपनी क्रिएशन के फॉर्म पे आ गए। यहां पर आपको कंपनी बनानी है, ठीक है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के ही नाम से द साइन इन, ठीक है, मेलिंग एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूं। इसी के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, मेलिंग एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूं। एंटर प्रेस करूंगा, यहां पे इंडिया और स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा, स्टेट, और यहां पे पिन कोड जो भी आपका हो, स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा, स्टेट, और यहां पे पिन कोड जो भी आपका हो, फोन नंबर है तो फोन नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए, जो भी हो, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं जैसे मैं दे रहा हूं यहां पे। एंटर प्रेस करूंगा, वेबसाइट मैं आपने ब्लॉग का एड्रेस दे रहा हूं, अगर ओके तो ये हो गया। एंटर प्रेस करके यहां पर आएंगे, यहां पर देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में ही रहता है, तो यहां फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, काम आपका कब से शुरू हो रहा है वो यहां पे लिख लेंगे, तो सपोज कीजिए हमारा काम 1 तारीख से ही शुरू हो रहा है, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, तो ये हमारा एक फॉर्म बन करके तैयार हो गया। अब हमें आगे की एंट्रीज करनी है, तो कुछ चीजें इसमें हमें बनाना बहुत जरूरी है। पहले तो हम इन कंपनीज को शट डाउन कर देंगे, शट कर देंगे ये सूरज एंड फ्रेंड्स, क्योंकि इसका हमको कोई काम नहीं है, एच दबाएंगे ये शट हो जाएगी कंपनी, ये कंपनी बंद हो गई। अब हमको करना क्या है, हमने कंपनी क्रिएट करा रखी है, अब हमको कुछ जरूरी लेजर्स बनाने हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और यहां लेजर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, तो यहां पर बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो आप पूंजी लगाते हैं बिजनेस में उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, टैली में ये याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट किया हमने, और यहां पर इंटरप्रेस करते हुए और यहां पे एड्रेस डाल सकते हैं हम, फिलहाल मैं छोड़ता हूं, जल्दी जल्दी इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट कराया। अब बाहर आएंगे इससे, ये पहला लेजर हमारा बन करके तैयार हो गया कैपिटल अकाउंट का, इसको अंडर कैपिटल अकाउंट रखा है हमने। दूसरा लेजर हम बनाएंगे सन्डरी डेटर, सन्डरी क्रेडिटर, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे, कैश का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना होता है, तो कभी भी कैश का लेजर मत बनाइएगा आप, ठीक है। इंटरप्रेस करेंगे, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको गुड्स रखना है, ठीक है, तो यहां पे गुड्स रखिएगा। अभी हमने जो परचेज का लेजर बनाया और संडी क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाएंगे, तो यहां मैं लिखता हूं जावेद। अब ये जावेद जो है हमारी डेटर पार्टी है, तो क्या करेंगे, यहां पे मैं पहचान के लिए डेटर लिख देता हूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये डेटर जो है जावेद जो है डेटर पार्टी है, ओके। इंटरप्रेस करके और नीचे आएंगे, यहां पर आपको देना है सन्ड्री डेटर, क्या देना है सन्ड्री डेटर, तो यहां पे देखिए डेटर पार्टी सन्ड्री डेटर के अंडर ग्रुप में इसे ले लिया हमने, ठीक है। इंटरप्रेस किया और यहां पर इसका एड्रेस दे सकते हैं, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं मैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया ये। अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो सचिन क्रेडिटर, ठीक है, सचिन क्रेडिटर मैं लिखता हूं पहचान के लिए क्रेडिटर, ये हमने कर दिया। इंटरप्रेस करेंगे, अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो एस प्रेस करेंगे तो यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो ये देखिए संडी क्रेडिटर आ रहा है, इंटरप्रेस करिए और इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है,
आप एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर सकते हैं उसमें, मैंने फिल नहीं किया है, ठीक है। अब यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको गोडाउन बनाना है तो क्या करेंगे, गोडाउन यहां पे देखिए इन्वेंटरी इन्फो पे आ गए हम, इन्वेंटरी फीचर पे, और यहां पर आपको मेंटेन देखिए मल्टीपल गोडाउन का कॉल जो ऑप्शन है वो यस मिलेगा। अगर आप मल्टीपल गोडाउन नहीं चाहते तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। मैंने मल्टीपल गोडाउन को भी इसमें बताया है, अब ये देखिए यस किया है हमने तो गोडाउन शो करेगा, अगर नो कर देता हूं तो गोडाउन शो नहीं होगा, गोडाउन नहीं आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसको मैं नो कर देता हूं तो एन दबाएंगे तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यस रखता हूं। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, अगर आप स्टॉक की कैटेगरी को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम आगे सीखेंगे, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कराने का एक और तरीका है, कंट्रोल के साथ ए दबा सकते हैं तो भी ये एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ लेजर्स भी अब मौजूद हैं, ठीक है। अब हमको काम करना है, ठीक है। सन्डरी डेटर, सन्डरी क्रेडिटर, पार्टी सब कुछ मौजूद है हमारे पास, कैपिटल अकाउंट का भी लेजर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वाउचर पर, यानी अकाउंटिंग वाउचर पे वी प्रेस करेंगे। यहां पर हम पेमेंट वाउचर में है, हमें जाना है अभी रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। क्योंकि हम रिसिप्ट वाउचर में क्या कराना चाहते हैं, हम कुछ पैसा रिसीव कराना चाहते हैं तो हम रिसिप्ट वाउचर में चले जाएंगे। बिजनेस में हमारे पैसा होगा तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा, तो सबसे पहला काम तो आप यही करिएगा कि पैसा जरूर रिसीव करवाइएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से बना रखा है मैंने, अगर आपने नहीं बनाया है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद एंटर प्रेस करके और नीचे आइएगा। देखिए ये बता रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने पहले से बना रखा है, और नीचे आकर के जैसे यहां पे मैं सी प्रेस करता हूं और नीचे आकर के यहां पे आपको सेलेक्ट करना है सी, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, इसके अंडर में आप रख लीजिएगा इसको, ठीक है। इस तरह से आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले से कर रखा है और पहले से मैंने पैसा भी डाल रखा है इसमें, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाहर आएंगे, डायरेक्टली चलेंगे परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे। तो यहां से F9 ये मैंने कर दिया है, यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे और जिस भी डेट पे आप खरीदारी कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिएगा, और यहां पर नीचे आएंगे, यहां पर कैश कर सकते हैं हम, लेकिन हमने यहां पे डेटर और क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना रखा है, तो यहां पे हम करेंगे सचिन क्रेडिटर, क्रेडिटर का लेजर यहां पे आएगा। अगर हम सेल्स वाउचर में होते तो वहां पे डेटर का लेजर आता, यहां पे इसका एड्रेस लिख देंगे जो भी है पार्टी है। इतना करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे स्टेट जरूर सेलेक्ट करेंगे। परचेज अकाउंट का लेजर मैंने बना रखा है तो यहां पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहां पे आइटम्स की लिस्ट हमें देखनी है, आइटम्स हैं या नहीं हमारे पास। तो यहां पे जैसे ही मैं प्रेस करता हूं कोई भी बटन तो यहां कोई आइटम तो हमने बनाया ही नहीं है, तो आइटम नहीं बनाया तो आइटम कैसे बना पाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और ये आइटम्स हमें कैसे क्रिएट करने हैं वो देखते हैं। इंटरफेस करेंगे इन्वेंटरी इन्फो पे जाके, तो देखिए ये वाला बॉक्स ओपन होगा और यहां पर स्टॉक का ग्रुप बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहां इंटरफेस करेंगे और यहां पे मैं बनाता हूं स्टेशनरी, पहला ग्रुप जो है स्टेशनरी बना लेता हूं, इसमें स्टेशनरी से रिलेटेड सामान आएंगे। इंटरफेस करूंगा, इसको अंडर प्राइमरी ग्रुप रखेंगे, इंटरफेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा ग्रुप जो है मैं बनाता हूं ग्रोसरी, इंटरफेस करूंगा, इसको एक्सेप्ट करा लूंगा, ठीक है। तो ये दो ग्रुप हमारे पास बन गए। इसके बाद तीसरा ग्रुप भी अगर बनाना चाहते हैं आप तो बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं दो ही ग्रुप रखता हूं। ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे सामान आ जाएंगे, जैसे स्टेशनरी में कॉपी किताब पेन पेंसिल ये सारे सामान आते हैं, ठीक है। जैसे ग्रोसरी में दाल चावल शुगर जो भी किचन से रिलेटेड सामान है बहुत सारे सामान उसमें आ जाएंगे, तो इस तरीके से हम स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। आप चलिए स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। यहां पे इंटरफेस किया हमने और यहां से क्रिएट पे गए, स्टॉक आइटम बना लेते हैं हम, जैसे शुगर हमने ले लिया, ठीक है। इंटरफेस किया और यहां शुगर जो है ग्रोसरी में जाएगा, तो यहां हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रखा है। यहां पे यूनिट नहीं बनाई, तो यूनिट कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, तो यहां पे ये इस तरह से ओपन होगा और यहां पे यूनिट में हम क्या डालेंगे किलोग्राम, ठीक है। चीनी किलोग्राम में होती है तो यहां किलोग्राम कर दिया हमने, मैंने यहां लिखा किलो, फॉर्मल नेम किलो कर दिया हमने, और केजीएस करके किलोग्राम ये यहां पर पहले से बना होता है, इसमें आपको सिर्फ के सेलेक्ट करना है, तो यहां किलोग्राम वाला
हाईलाइट हो जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। यहां पे डेसिमल पॉइंट में 3 रखता हूं, इंटरफेस करता हूं, एक्सेप्ट करा लेता हूं इसको, और यहां पे गुड्स एंड सर्विस एप्लीकेबल रहेगा, यहां गुड्स ही रखिएगा, टाइप ऑफ सप्लाई इंटरफेस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब ग्रोसरी में शुगर के बाद सोयाबीन करते हैं, यहां पे सोयाबीन, ठीक है, इंटरफेस करेंगे और यहां पे इसको अंडर ग्रोसरी रखेंगे, ठीक है, और ये भी किलो में ही लेंगे हम और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब ग्रोसरी का आइटम और भी हम बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं बनाता हूं रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, इंटरफेस करूंगा और इसको डालेंगे अंडर ग्रोसरी में, इंटरफेस किया हमने और ये किलो है, तो अब हमें यहां लीटर का बनाना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, तो यहां एल टी आर कर देते हैं और यहां पे पूरा फॉर्मल नेम लिख देते हैं इसका, लीटर, ठीक है, और यहां एल दबाएंगे तो यहां पे आ जाएगा लीटर, ठीक है, किलो लीटर, मिली लीटर, ये सब आ रहा है, ठीक है, तो एमएल करते हैं हम मिली लीटर, ठीक है, इंटरप्रेस करेंगे और यहां पे 3 कर देता हूं डेसिमल पॉइंट को, ठीक है, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब गुड्स रखिएगा यहां पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टॉक आइटम बन चुके हैं, ठीक है, एक ही स्टॉक में हमने लिया हुआ है, आप चाहे तो अनदर स्टॉक में भी बना सकते हैं, स्टॉक का जो ग्रुप आपने क्रिएट किया है उसमें बना सकते हैं, इंटर प्रेस करके, और अब यहां पे एस्केप बटन प्रेस करके यहां पे आ जाइए, अब हमें चलना है अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है, एंट्रीज बनानी है, वी प्रेस करेंगे, यहां पर आ जाएंगे परचेज वाउचर में, यहां पे रिसिप्ट नंबर डाल देंगे और वो डेट डालेंगे यहां पे जिस डेट पे आपको ये परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेस करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर परचेज का लेजर तो हमने बनाया ही नहीं, तो यहां पे अल्ट के साथ सी दबाइएगा, देखिए परचेज अकाउंट, इंटरप्रेस किया, अंडर परचेज अकाउंट ये जाएगा, तो यहां पे परचेज अकाउंट करेंगे, यहां पे इंटरप्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल अगर रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ इसमें दिया हुआ है सप्लाई, तो ये गुड्स होगा, इंटरप्रेस करेंगे, इस पे अभी अनडिफाइंड ही रखते हैं हम, इंटरप्रेस करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। तो पार्टी हमारी होगी, ये परचेज अकाउंट है, तो पार्टी हमारी सचिन, ठीक है, यहां पे इसका एड्रेस डालेंगे, अब यहां पे हमें तमाम उन आइटम्स की लेजर्स की जरूरत पड़ेगी जो आइटम्स हमने बना रखे हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल अगर हम खरीद रहे हैं तो यहां पे रिफाइंड ऑयल आ जाएगा, यहां पे गोडाउन ऑप्शन को हमने इनेबल रखा है, दैट्स व्हाई यहां गोडाउन आ रहा है, ये अंडर मेन लोकेशन जाएगा, अगर आपने कोई गोडाउन बनाया होता तो वहां पर उस शहर का या उस जगह का नाम आता जिस जगह का नाम आप देते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे 5 लीटर रिफाइंड ऑयल हम ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे जैसा कि मैंने डेसिमल पॉइंट 3 रखा था, तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट यहां पे डेसिमल का आ रहा है, ठीक है। अब इसका रेट जो है ₹120 है, तो यहां पे ₹120 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, इंटरप्रेस करेंगे। अब दूसरा जो आइटम है वो क्या है, शुगर है, तो यहां पे शुगर ले लिया हमने और अंडर मेन लोकेशन जाएगा ये। अब मान लीजिए 7 किलो चीनी आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और रेट क्या है ₹48 किलो, यानी ₹48 पर किलो, तो यहां पे ₹336 उसके हिसाब से आ गया। तो ये फायदा है आपको अगर आप टेलीमेट्री करते हैं तो, ठीक है। अब इंटरप्रेस करते हुए इसको आप एक्सेप्ट करा लीजिए, अगर आपको जीएसटी लगाना है तो यहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर, ठीक है, फिलहाल मैं इसमें एक्टिवेट नहीं करता हूं, अभी हम देखेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर कैसे इसमें हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंटरप्रेस किया हमने और इसको एक्सेप्ट करा लिया, ओके। एक्सेप्ट कराने के बाद अब हम देखते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर हम कैसे इसमें लगाएंगे, तो चलिए पहले इससे बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यहां पर अब हमें जीएसटी को इनेबल करना है, तो जीएसटी को कैसे इनेबल करेंगे, F11, यहां से हम क्या प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, तो एक कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी, यहां पर हमको स्टेटरी एंड टैक्सेशन को सेलेक्ट करना है। यहां पे देख सकते हैं जीएसटी यस है, इसको नीचे आएंगे, यहां पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करेंगे हम, और यस करने के बाद यहां पर ये हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। जीएसटी में दो टाइप के रजिस्ट्रेशन टाइप है, एक कंपोजिशन एक रेगुलर। कंपोजिशन वो स्कीम होती है जिसके तहत आपको 3 महीने या 6 महीने पर जीएसटी फाइल करनी होती है। रेगुलर यानी आप हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं, तो हम रेगुलर ही रहने देते हैं। इंटरप्रेस करता हूं, ये अदर टेरिटरी वाला ऑप्शन अभी हम
ब्लैंक छोड़ते हैं और यहां पे आप अपना GSTIN नंबर डाल सकते हैं। तो यहां पे GSTIN नंबर मैं डाल देता हूं, ये वेरीफाई करेगा इसको 1 अप्रैल 2019 ठीक है, इसी डेट से ये लागू हो रहा है। तो ये मंथली हम फाइल करेंगे जीएसटी। ईवे बिल को मैं अभी नो करता हूं, 1 अप्रैल 2019 से ही लागू हो रहा है। इनवॉइस ठीक है, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू का मतलब बिल में जो हम देंगे उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके देगा ठीक है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, तो इसको हमको यस रखना है ठीक है, और इंटरफेस करके और यहां सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे आ जाएंगे, यस करेंगे इसको ठीक है। यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं कर देता हूं प्राइमरी आइटम, यहां पर आएंगे एचएसएन कोड दे देंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहां पर देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड क्या होता है, एग्जेम्प्टेड वो आइटम्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, नील रेटेड यानी कि वो आइटम्स जिन पर जीएसटी तो लगता है लेकिन 0% लगता है, और टैक्सेबल वो आइटम जिन पर जीएसटी लगेगा ठीक है। तो इसको हम यस कर देंगे और यहां पर देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है, इसको हम रखेंगे 18% या 18.5% रख देते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं इसको, जिस हिसाब से टैक्स आप का लगेगा उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 18.5 रखता हूं। ये आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में, तो यहां देखिए 9.25% के हिसाब से डिवाइड हो गया। ये सेस को अभी आपको नहीं टच करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा मैं। ये जीएसटी हमारा हो गया, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और यहां से बाहर आ जाएंगे। अब हमको यहां पे एंट्री बनानी है तो वाउचर पे जाएंगे, यहां परचेज वाउचर ऑलरेडी दिख रहा है यहां पे, यहां पे हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे और वो डेट डालेंगे जिस डेट पे हमें परचेज करना है ठीक है। यहां पर हम कैश भी दे सकते हैं लेकिन तो फिलहाल यहां परचेज वाउचर की बात है तो इसीलिए क्रेडिटर पार्टी, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे एड्रेस डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे इंडिया और स्टेट डालना बहुत कंपलसरी, जीएसटी आईएन नंबर है तो डाल देंगे। और यहां परचेज अकाउंट का दो दो लेजर हमने बना रखा है ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, एक लेजर को हमें डिलीट करना होगा, फिलहाल मैं अभी डिलीट नहीं करता, इसको यहीं पे एक्सेप्ट करा लेता हूं, एक कोई भी लेजर ठीक है, ये लेजर सही रहेगा, स्पेलिंग सही है इसकी ठीक है। अब यहां पर वो तमाम स्टॉक आइटम जो हमने बनाए थे उनको यहां पर धीरे धीरे करके इंसर्ट कराना है ठीक है। तो यहां पे देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे पास स्टॉक हैं जिनमें सामान मौजूद है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सोयाबीन जो है इसको हम लेंगे, एंटर किया हमने, इसको मेन लोकेशन से हम ले रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है 700 किलो ठीक है, और रेट क्या है 40 रुपए किलो, इसके हिसाब से ये टोटल अमाउंट आ गया, हमने परचेज कर लिया सोयाबीन। अब दूसरा आइटम हम क्या परचेज कर रहे हैं, दूसरा आइटम जो परचेज कर रहे हैं उसका नाम है यहां पे हम देखते हैं शुगर ठीक है, तो यहां पे हम शुगर ले लेंगे, एस जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये शुगर वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा, इंटर प्रेस करेंगे और मेल लोकेशन आएगा यहां पे, 70 किलो चीनी मान लीजिए हम खरीद रहे हैं तो 48 रुपए के भाव से इसका टोटल आ जाएगा ठीक है। अब इसी पर हमें जीएसटी लगाना है तो यहां पर हम सी प्रेस करेंगे ठीक है, तो यहां पे कोई अभी ऑप्शन आ नहीं रहा है तो आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और यहां पे लिखेंगे सी जीएसटी ठीक है। तो सी जीएसटी का लेजर हम पहले बना रहे हैं और इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ठीक है, तो यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप बना होगा, आपको उसी के अंतर्गत इसे रखना है। ये हम जीएसटी ले रहे हैं ठीक है। अब देखिए इसमें कृषि कल्याण सेस आ गया है तो सेस के ऊपर एक अलग से वीडियो में डालूंगा ठीक है, और ये स्वच्छ भारत सेस है तो एसएस क्या होता है इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियोस में जरूर डालूंगा, तो अभी फिलहाल इसको रखते हैं। और चूंकि हमने सीजीएसटी लिया हुआ है तो ये सेंट्रल टैक्स है ठीक है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहां पर मैं नहीं दे दूंगा क्योंकि पहले ही मैं दे चुका हूं, इसको हम नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, इंटरप्रेस करेंगे और यहां राउंडिंग लिमिट 2 कर देता हूं मैं ठीक है, इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया। तो सीजीएसटी यहां पर आ गया कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली। अब हम यहां पर एसजीएसटी का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे एसजीएसटी लिखेंगे, एसजीएसटी जैसे ही लिखा हमने यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा आपको पता है और यहाँ पे आएगा जीएसटी, इंटरफेस करेंगे और यहां पर आएगा स्टेट टैक्स ठीक है। एक और टैक्स होता है जिसे हम यूजीएसटी कहते हैं, उसके भी बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल ये वीडियो परचेज वाउचर पे हो रही है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके और राउंडिंग लिमिट यहाँ पे हम 2 रख देते हैं
और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पर ये भी कैलकुलेट होकर आ गया हमारा जीएसटी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही होगी बात कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहां पे लिखेंगे द गुड्स हैव बीन, ओके, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब यहां से जाएंगे और देखेंगे कि डिस्प्ले में यहां पे गेटवे ऑफ टैली पे आकर दो बार डी दबाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां जो हमने परचेज किया था, ठीक है, तो ये वाला हमारा है, इसको हम एंटर करेंगे और इसको अगर प्रिंट करना है तो अल्ट के साथ पी दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको पहले मैं सेव करता हूं, कोई नाम दे देता हूं, सेव करता हूं। अब आइए देखते हैं इसका प्रिंट कैसा आया हुआ है। डबल क्लिक करेंगे, यहां पे आएंगे और 7 के नाम से हमने किया था, डबल क्लिक करिए और ये देखिए ये इस तरह से बिल जनरेट हो जाएगा। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन कुछ हद तक मिल जाएगा इससे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।